देख रहे हैं अंबर टाइम। जिले के ग्राम माननखेड़ा में 1 मई की सुबह करीब 9 बजे एक 10 वर्षीय नाबालिग बालिका जो कि शिव मंदिर जा रही थी, रास्ते में 2 बदमाश मोटरसाइकिल से वहां आए और बालिका से छेड़खानी करने लगे। कुछ ही समय में वे लोग बालिका का अपहरण कर जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठा कर वहां से भागने लगे। अपहरत बालिका द्वारा शोर मचाने पर पासी मंदिर में दर्शन कर रही कारीबाई पति गोपाल माली निवासी माननखेड़ा शोर शराबा सुनकर वहां आई और अदम्य साहस का परिचय देते हुए बदमाशों से भिड़ गई और बालिका को बदमाशों से छुड़ाने का प्रयास करने लगी। साथ ही कारीबाई ने मदद के लिए आवाज भी लगाई। कुछ ही देर में मौके पर एक दिव्यांग व्यक्ति भंवर सिंह पिता महादेव सिंह राजपूत निवासी माननखेड़ा भी आ गए। कारीबाई तथा भंवर सिंह दोनों ने साहस का परिचय देकर अपहृत बालिका को बदमाशों के चुंगल से छुड़वाया। इसके साथ ही आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। कारीबाई और दिव्यांग भंवर सिंह द्वारा एक नाबालिग बालिका को अपहरणकर्ताओं से बचाते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया गया है, जिसके कारण बालिका के साथ गंभीर घटना को होने से रोका गया। नाबालिग पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना रिंगनोद पर आरोपी गण संतोष पिता नरवर सिंह राजपूत निवासी ग्राम ठगाई थाना पाली जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश व सुशील उर्फ सुनील पिता देवी सिंह लोधी निवासी झीरिया तालुका चौका थाना बेगमंज जिला रायसेन हाल मुकाम 53 गली नंबर 6 मूसाखेड़ी आलोक नगर थाना आजाद नगर इंदौर के विरुद्ध प्रकरण एवं पॉक्सो एक्ट का पंजीबद्ध कर आरोपी गण को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से जब्त मोटरसाइकिल की तलाशी लेते समय मोटरसाइकिल पर बंधी जहरीली शराब से भरी एक प्लास्टिक की केन मिली, जिसे भी जब्त किया गया। पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने कारीबाई पति गोपाल माली व दिव्यांग भंवर सिंह पिता महादेव सिंह राजपूत को साहसिक कार्य हेतु असली हीरो सम्मान से सम्मानित किया। मैं खेत पे ही था, अपना खेत है, मंदिर बना हुआ है। जब ये चिल्ला रही थी तो मैं दौड़ के वहाँ गया तो उस बच्ची को इसके पास बिठा रखा था और रो रही थी, तो मैंने कहा बताए क्या हुआ, तो कि इसको गाड़ी बिठा के ले जा रहे। इधर से गांव पास में ही है, गांव वाले आ गए, उधर से पुलिस चौकी पास में है, तो उधर से पुलिस वाले आ गए, फिर उनको पकड़ के चौकी पड़ ले। मैं कृषि कार्य कर, नहीं साहब वो तो रोड पे आ रहे थे, क्या बताए उसका पीछा करते करते वो नई आबादी के रहने वाले, मतलब बदमाश है। हाँ, पहले कभी देखा इन लोगों को? नहीं देखा। नरसिंह जयंती शहर में पारंपरिक रूप से मनाई गई। शहर के गौशाला रोड स्थित नरसिंह मंदिर पर देर शाम आयोजन हुए। भगवान नरसिंह का रूप धर पर्दा फाड़ते हुए निकले नरसिंह जी भक्तों के साथ तोपखाने चौराहे पर पहुंचे। तोपखाने चौराहे पर हिरण्यकश्यप के पुतले का वध किया। भगवान नरसिंह जी द्वारा वध होते ही भक्तों ने जमकर जयकारे लगाए। बाद में भक्तों की भीड़ भगवान नरसिंह जी के साथ विजय जुलूस के रूप में मंदिर पहुंची। यहां आरती कर प्रसादी वितरित की गई। पौराणिक कथाओं के आधार पर हुए इस नाटकीय मंचन को देखने भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। गाड़ी से कट मारने की बात पर हुए विवाद में एक युवक ने 65 वर्षीय अधेड़ के साथ जमकर मारपीट की। स्टेशन रोड पुलिस थाने के समीप हुए विवाद और मारपीट में नागरवास निवासी अनिल कुमार सकलेचा पिता कुशल जैन को लहूलुहान होने पर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। स्टेशन रोड पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घायल अनिल सकलेचा के पुत्र ने बताया आरोपी उदय भान ने जान से मारने की धमकी भी दी है। ये मेरे पापा हैं, मैं बाहर था और गाड़ी धीरे चलाने के चक्कर में माता बच्ची हुई है और इनके सिर पे चाबी से तेज मारा इनको और जान से मारने की इनको धमकी दी है और बहुत ज़्यादा खून निकला है शर्ट पर। कौन मारने वाला क्या? उदय भान है। क्या रहता है क्या? इतना तो मेरे को पता नहीं है, मैं अज्ञात ही है। और उसने बहुत ज़ोर से मारी और जान से मारने की धमकी दी और थाने में पूछा तो उसने बोला कि मैं तो और मारता तो बच गए हैं और ज़्यादा मारता। क्या नाम है इनका? अनिल कुमार जी सकलेचा है इनका नाम, नागरवास में रहते हैं।
सुभाष नगर ओवर ब्रिज निर्माण में लंबे समय से अटका पोल शिफ्टिंग का कार्य आने वाले दिनों में गति पकड़ेगा। उक्त कार्य को लेकर विधायक चेतन काश्यप लंबे समय से प्रयासरत थे। उनके द्वारा इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी चर्चा की गई थी। इसके साथ भोपाल जाकर विभाग से जुड़े अधिकारियों से चर्चा कर रिवाइज एस्टिमेट तैयार कर अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने की मांग की थी, जिस पर सरकार ने 13 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि स्वीकृत कर दी। पूर्व में 23 करोड़ 27 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई थी। रिवाइज एस्टिमेट तैयार होने के बाद यह राशि बढ़कर 36 करोड़ 32 लाख रुपए से अधिक हो गई है। विधायक के प्रयास के बाद अब लोक निर्माण विभाग ने पोल शिफ्टिंग कार्य करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। रेलवे लाइन के आसपास के पोल की केबल खोलने का काम भी शुरू हो चुका है। उक्त कार्य होने से अब रेलवे उसके हिस्से पर लाइन के ऊपर गटर डालने की तैयारी में जुट गया है। आगामी कुछ दिनों में उक्त कार्य की शुरुआत हो जाएगी। रेलवे के द्वारा गटर डालने के साथ ही ब्रिज निर्माण से जुड़ा यह कार्य गति पकड़ लेगा। पोल शिफ्टिंग कार्य में लगभग 2 करोड़ 44 लाख रुपए से अधिक की लागत आएगी। रेलवे साइट के पोल हटाए जाने का यह कार्य बिजली कंपनी करेगी। सिख पंथ के तीसरे गुरु अमरदास जी का प्रकाश पर्व शुक्रवार को मनाया गया। इस अवसर पर न्यू रोड स्थित श्री गुरु सिंह सभा पर विभिन्न आयोजन संपन्न हुए। सिख गुरुद्वारा में अरदास के बाद प्रखर चिंतक एवं इतिहासकार डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उधोके का धार्मिक व्याख्यान का आयोजन हुआ। समारोह में सरदार गुरनाम सिंह, देवेंद्र वाधवा, अजीत छाबड़ा, हरजीत चावला, हरजीत सलूजा, सतपाल सिंह डंग, सोनू भाबरा सहित समाजजन मौजूद थे। संगत जी, आप सारे जिन्होंने कड़ा प्रसादी दी एक प्राप्त की है, आप जी बार सच के लंगर छके जाऊंगी। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हजार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और NBFC के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी नहीं। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया। क्या है, बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें KFS कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 2 बत्ती रतलाम। फोन नंबर 07412356268, 62637918